क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर एक अभिशप्त हीरा माना जाता है, ये जिसके भी पास गया उसे बर्बाद कर दिया। तो चलिए जानते हैं कोहिनूर की पूरी दास्तां। कोहिनूर दुनिया के लार्जेस्ट कट डायमंड्स में से एक है। इसका कैरेट वजन 105.6 कैरेट्स है। हालांकि इसके मूल वजन का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसका सही वजन 186 ओल्ड कैरेट्स है। इसे भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की एक खान से निकाला गया था, लेकिन अब ये ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है। इसकी मालकिन एलिजाबेथ टू हैं। कोहिनूर का अर्थ है आभा, यानी रोशनी का पहाड़। एक समय पर यह हीरा दुनिया भर में अपने आकर्षण और बेजोड़ आकार के लिए प्रसिद्ध था और कीमती पत्थरों में से इसे सबसे ऊपर माना जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस हीरे का मालिक दुनिया का मालिक है। कोहिनूर का सफरनामा। कोहिनूर ऐसा बेशकीमती हीरा है जिसने कई देशों की सैर की और आखिर में लंदन की महारानी के पास जा पहुंचा। कोहिनूर हीरे का इतिहास काफी पुराना है, करीब 5000 साल पुराना। इसके बारे में पहली जानकारी 1304 के आसपास मिलती है। उस वक्त ये मालवा के राजा महलाक देव की शान हुआ करता था। इसका जिक्र बाबर नामा में भी मिलता है, जिसके मुताबिक ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने 1526 में अपनी सारी संपत्ति पानीपत के युद्ध के दौरान आगरा के किले में रखवा दी, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किले पर कब्जा कर लिया और साथ ही 186 कैरेट के कोहिनूर को भी अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त इस हीरे का नाम बाबर हीरा पड़ा। जब कोहिनूर बाबर के पास आया तो ये काफी समय तक मुगल राजवंश का हिस्सा रहा, लेकिन 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पर हमला कर दिया। 1739 में उसने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को हरा कर उसे बंदी बना लिया, साथ ही सारा शाही खजाना भी लूट लिया। इस खजाने में बाबर हीरा यानी कोहिनूर भी शामिल था। कहते हैं कि नादिर शाह ने ही इस बहुमूल्य हीरे का नाम कोहिनूर रखा। कोहिनूर को लूटने के बाद वो इसे अपने साथ ले गया। 1747 में जब इस बहुमूल्य हीरे की भनक लगी तो नादिर शाह के ही करीबी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया। ये भी कहा जाता है कि 14 साल बाद शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को नादिर शाह के सेनापति अहमद अब्दाली को सौंप दिया। दरअसल अहमद अब्दाली ने उसकी काफी मदद की थी। इस तरह जब कोहिनूर अहमद अब्दाली के हाथ लगा तो वो उसे लेकर अफगानिस्तान पहुंचा, जहां ये हीरा अब्दाली के वंशज के पास रहा। बताते हैं कि जब अब्दाली का वंशज शुजा शाह कोहिनूर के साथ लाहौर पहुंचा, तो उस वक्त पंजाब में सिख राजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह को इस बात की भनक लगी कि कोहिनूर फिर से भारत आया है और शुजा शाह के पास है, तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर 1813 में उसे ले लिया। कोहिनूर लेने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने उसे अपने ताज में लगाकर अपनी शान बढ़ाई, लेकिन 1839 में उनकी मौत हो गई और कोहिनूर उनके बेटे दिलीप सिंह के पास चला गया। बताते हैं कि 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हराया। उस वक्त दिलीप सिंह ने तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी के साथ लाहौर की संधि के लिए हस्ताक्षर किए। संधि के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1850 में कोहिनूर को लाहौर से मुंबई ले आए और फिर उसे लंदन भेज दिया। 3 जुलाई 1850 में इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। लंदन में कोहिनूर को तराशने वाले मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे नया रूप दिया। तब इसका वजन 108.93 कैरेट था और वर्तमान में इसका वजन 105.6 कैरेट है। इस तरह कोहिनूर भारत से ब्रिटेन की रानी के ताज का हिस्सा बन गया। कोहिनूर पर दावा करने वाले देश और ब्रिटेन का जवाब। समय समय पर कई बार कोहिनूर को वापस लाने की मांग उठी, साथ ही कई देशों ने भी इसे लेकर दावे किए, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया। ब्रिटेन का दावा है कि ये हीरा कानूनी आधार पर उन्हें दिया गया था। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका कोहिनूर को लेकर दावा करते हैं।
1976 में पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी मांग की थी, लेकिन ब्रिटेन ने खारिज कर दी। जब लाहौर कोर्ट में एक याचिका दायर कर इसे पाकिस्तान लाने की मांग की गई, तो कहा गया कि कोहिनूर अफगानिस्तान के बादशाह ने लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह को तोहफे पर दिया था। हीरे की चोरी लाहौर से की गई, इस नाते कोहिनूर पर भारत से कहीं ज्यादा हक पाकिस्तान का है। चर्चा में कैसे आया? जब कोहिनूर हीरे को खदान से निकाला गया था, तब ये इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन 1306 में ये चर्चा में आया। इसे लेकर एक शख्स ने कहा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन एक अहम बात ये है कि इसी के साथ उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। लेकिन किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। कोहिनूर को शापित क्यों कहा जाता है? जब ये हीरा काकतीय वंश के पास आया, तो उस वंश का अस्तित्व खत्म होने लगा। तब लोग कोहिनूर के शापित होने की बात को सच मानने लगे। 1323 में तुगलक शाह प्रथम से हुई लड़ाई में काकतीय वंश पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद ये जिस भी शासक के हाथ लगा, उसकी जिंदगी में ग्रहण साबित हुआ। कोहिनूर हीरा हर पुरुष राजा के लिए एक श्राप साबित हुआ। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, वो खत्म होता चला गया। काकतीय वंश के बाद ये हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ लगा। 16वीं शताब्दी के मध्य तक रोशनी का ये पहाड़ यानी कोहिनूर मुगलों के पास रहा, लेकिन मुगल सल्तनत की सूरज को इसने डुबो दिया। शाहजहां ने इसे अपने सिंहासन में जड़वा दिया, लेकिन इसके बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शासन अपने अधीन करते हुए अपने ही पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था, जिसे कोहिनूर से जोड़कर देखा जाता है। 1739 ईस्वी में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया और हीरे को लेकर पर्शिया चला गया। बाद में नादिर शाह की भी हत्या हो गई और कोहिनूर अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, और आखिर में ये दुर्रानी वंश का काल साबित हुआ। आखिर में हीरा भारत के राजा रणजीत सिंह को मिला, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। आखिर में कोहिनूर ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। इतने सारे शासकों के अंत के बाद सभी ने मान लिया कि कोहिनूर का किसी न किसी श्राप से जरूर संबंध है। जब इस श्राप के उपाय ढूंढे जा रहे थे, तो सामने आया कि अगर ईश्वर या कोई महिला कोहिनूर को पहनती है, तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। इस तरह ब्रिटिश शासन ने फैसला लिया कि इसे कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला ही धारण करेगी। आखिर में किंग जॉर्ज की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में कोहिनूर को जड़वा दिया गया। इस तरह कोहिनूर एक बेशकीमती और आकर्षक हीरा तो था, लेकिन इतिहास में ये काफी खतरनाक भी साबित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।